भाजपा से टिकट मांग रहे दलेल नगर समाज सेवी रमेश गंगवार के यहां 254 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद रहे। बरेली की कई थानों की पुलिस ने संभाली कमान। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सड़क पर भारी भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कमान संभाली। पुलिस ने नवाबगंज से बरखेड़ा जाने वाले वाहनों को बरखान कोयलरिया मार्ग से गुजारा। इसके बाद भी सड़क पर कई बार जाम लगा, जिसमें पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही कार्यक्रम में जिला बरेली के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नवाबगंज के दलेल नगर गांव स्थित शिव मंदिर पर समाज सेवी भाजपा नेता रमेश गंगवार द्वारा विधानसभा की 254 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंची भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। विवाह संपन्न होने के उपरांत समाज सेवी रमेश गंगवार ने कन्याओं को दहेज में जरूरी सामान देकर विदा किया। इस मौके पर नवाबगंज विधानसभा के साथ ही जिले के विभिन्न दलों के नेताओं और अधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर वर वधु को अपना आशीर्वाद दिया। समारोह का उद्घाटन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने रमेश गंगवार की प्रशंसा की। इस आयोजन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार, मेयर उमेश गौतम, विधायक डीसी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के साथ ही नवाबगंज विधानसभा के भाजपा, सपा व अन्य दलों के नेता तो मौजूद थे ही, जिले के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। दलेल नगर गाँव में शिव मंदिर पर जो सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आपकी तरफ से किया गया है, कितनी बेटियों की शादियां कराई हैं आपने? 254 बेटियां। इससे पहले लगातार आप गत वर्ष भी आपने 131 बेटियों की शादियों का आयोजन किया था, आपको आखिर ये ख्याल कैसे आया कि बेटियों की शादी करना चाहिए? ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति की वास्तव में उसकी मदद करो, अगर किसी गरीब व्यक्ति के, तो इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए हमने बेटियों की शादियों का बीड़ा उठाया और निरंतर पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ऊपर वाले का जब तक आशीर्वाद रहेगा ये निरंतर कार्यक्रम इसी तरह इस क्षेत्र में चलता रहेगा। आपने इसी गांव में दलेल नगर गांव में एक भव्य शिव मंदिर का भी निर्माण कराया है, 32 फीट ऊंची मूर्ति शिव जी की वहां बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, हर व्यक्ति का एक आस्था का केंद्र होता है। अब हमारे लिए ये मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है, तो यहाँ के लिए जितना हमसे जो हो सकेगा उसमें हम निरंतर इसमें लगे रहेंगे। इसके जितना भी यहाँ जो जीर्णोद्धार, इसका जितना विकास इस मंदिर का हो सकेगा, हम निरंतर जब तक हमारा जीवन है हम यह करते रहेंगे। रमेश जी, अब तक देखने में आया है कि एक तरफ तो मंदिर का निर्माण, दूसरी तरफ इस नवाबगंज क्षेत्र की विधानसभा में मैंने देखा अब तक, चाहे परशुरामपुर हो चाहे बरखन हो, जहाँ भी मुस्लिम आयोजन कब्बालियों के आपके जो भी हुए हैं, मजारों पर जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें आपकी क्या सोच रही? ऐसा है, कोई भी बाग हुआ अगर उसमें हर तरह के फूल नहीं होंगे तो वो सुंदर नहीं बन सकता है। तो हमारी एक सोच ये है कि इस नवाबगंज में चाहे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से और आपसी मतलब मेल भाव से रहें, और इसी से मेल भाव से रह के इस क्षेत्र के लोग अपना नाम रोशन करें और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। विरोधी कहते हैं कि विधानसभा तक का सफर तय करने के लिए रमेश गंगवार ये शादियाँ कराते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? विरोधी कुछ भी कह सकते हैं, हम विरोधियों के लिए, अभी तो विरोधी हमारे रैली का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सारे विरोधी, सब लोग चाहे हमारी पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों। अब आप उनसे ये भी पूछना, क्या इस 254 शादियों वाला रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे या नहीं, ये आप पूछना उनसे। शादियों का रिकॉर्ड तोड़ पाए ना तोड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग, तो आप उन लोगों से कैसे टक्कर ले रहे हैं अगर इससे हटा दिया जाए शादी समारोह से? हमारे साथ इस नवाबगंज क्षेत्र की, बरेली जनपद की गरीब जनता की दुआ है। ये आपने आज देखा होगा, यहाँ कोई अमीर शादी करने नहीं आया, सब हमारे गरीब लोग आए, और कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। तो इन लोगों की दुआएं, इनका साथ, इनका सहयोग, और इसी दम पर इन्हीं लोगों ने आज हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया।